गिफ्ट सिटी बन्या पछी अमारा गाम मा रोजगार मळी रह्यो। अभी मैं 5 से 10 मिनट से घूम रहा हूँ गोल गोल। शू नाम काका तमारू? तो दोस्तों आज हम एक अनोखी यात्रा पे निकल रहे हैं, एक यात्रा जो हमें ले जाएगी गांव के दिलों में, गांव की गलियां, उनकी खुशबू और उनकी कहानियां। और फिर आता है वो पल जब गांव के लोग आपको मुस्कुराहट से स्वागत करते हैं, उनकी महफिलों में भाग लेना, उनके साथ बिताए पल, ये है असली गांव का जादू। तो स्वागत है आपका एक नए फ्रेश एपिसोड में, जहाँ पे आज आपको दिखाएंगे कि जो गिफ्ट सिटी है, तो गिफ्ट सिटी और उसके जो नज़दीक में जो गांव है, तो वहाँ का अभी क्या चल रहा है, उनकी क्या थिंकिंग है, लोगों की किस टाइप से वो लोग सोच रहे हैं, अभी आगे की जर्नी आपको दिखाते जाएंगे जैसे जैसे वीडियो में आगे चलते जाएंगे। ये अभी हम लोग गिफ्ट सिटी रोड पर ही है, आप देख सकते हो ये धौला कुआ करके मेट्रो स्टेशन है सामने, यही है आज के वीडियो का टॉपिक। चलिए, तो जब भी कभी मोदी जी गांधीनगर में आने वाले होते हैं तो ये चीज़ें अभी परमानेंटली हो जाती है। आप देख सकते हो, जैसे अभी मैं इतना ही जूम कर सकता हूँ, लेकिन आप देख सकते होगे कि ये काम अभी शुरू है, ये रोड का, ये गिफ्ट सिटी का रोड है। तो भाई साहब, गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैक्स सिटी। ये सिटी को डेवलप करने का प्लान 2007 में अनाउंस किया गया था। तो ये शाहपुर जो विलेज है वो गिफ्ट सिटी के एकदम नज़दीक में है, तो यहाँ से हमको मतलब यहाँ की स्थिति का जायज़ा मिल जाएगा अच्छे से। जैसे आप देख सकते होगे यहाँ पे जो घर है वो बहुत ही बड़े बड़े हैं और आगे की मतलब जगह भी बहुत अच्छी है। तो शाहपुर के लोगों से हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि मतलब रियलिटी में आसपास के जो गांव है उनको कितना फायदा हुआ है। गांव के अंदर पहुंचते ही हमको एक बेहतरीन स्माइल करने वाले अंकल मिले। नाम काका तमारू? कानू। कानू भाई? कांति भाई। कांति भाई, बराबर। शाहपुर विषय कई तमे जानो छो? इना विषय आ गामडा विषय तमे कई बोली सकसो? ना यार, आपर आई आईना छो तमे? बारना आईना छो? કેલા વર્ષથી રોજ કાયમ અમાર ગામમાં જા? આજ ગામ છે અહીંયા બાજુમાં ગિફ્ટ સિટી બની છે, ખબર તમને? ગિફ્ટ સિટી બની છે પેલી મોટી બિલ્ડિંગોવાળી, ગયેલા છો તમે એ બાજુ? ના, આપણે તો કોમ બનાવી જઈએ, નહીં જતા એમને ઘાસવડા જઈએ, બરાબર। તો યહાં પે શાહપુર કે લોકલ્સ સે હમ લોગ થોડા બહોત જાન લેતે હૈ કે ગિફ્ટ સિટી કે બારે મેં ઉનકા પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ક્યા હૈ। તો आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम है किरण वाघेला। किरण वाघेला, और आपका भाई? वाघेला भौमिक है मेरा नाम। अच्छा, तो आप कुछ बता रहे थे कि गिफ्ट सिटी मतलब यहाँ पे गिफ्ट सिटी के आने के बाद शाहपुर में क्या चेंज आया है यहाँ के नज़दीक? 2011 સુધી આઈ ગિફ્ટ સિટી નથી, 2011 સુધી આયા પછી અમારું ગામનું નામ કોઈ ઓળખતું નહોતું, ગાંધીનગર શાહપુર તરીકે। એ ગિફ્ટ સિટી બન્યા પછી અમારા ગામમાં રોજગાર મળી રહ્યો, કે જે અત્યારે એજ્યુકેશનનું બહુ માન છે, તો એજ્યુકેશન અમારે અહીંયા કોઈ નહોતું, ગામડું હતું એના કારણે, પણ અત્યારે બધાને એજ્યુકેશન પ્રમાણે રોજગાર મળી રહ્યા છે। અત્યાર સુધી અમને જે બી અમે કોઈ બી કરતા હતા તો અમારે બહાર જવું પડતું હતું, બરાબર। ગિફ્ટ સિટી આવ્યાના કારણે અમારા ગામમાં 2-3 મોલ બન્યા, એટલે અમારે ક્યાંય બહાર જવું નથી પડતું, હવે રોજગાર મળી રહે, એટલે અમારો બહુ આનંદ છે। 2011 આયા પછી આપ દેખ સકતે હો યહાં પે મતલબ રોજગાર ભી બઢ ચુકા હૈ ભાઈ સાહેબ, યહાં કે યંગસ્ટર્સ કા જો કહેના થા વો આપને સુન લિયા, ઓર મતલબ હૈ ફાયદા તો હુઆ હૈ ગિફ્ટ સિટી સે। ઓર ફિર હમ લોગ નિકલ પડે ગિફ્ટ સિટી કી ઓર, ગિફ્ટ સિટી કા રિયાલિટી ચેક કરને કે લિયે, ક્યુંકિ વૈસે જો લોગ બોલ રહે હૈ તો યહાં પે ડેવલપમેન્ટ કુછ હો રહા હૈ કે નહીં, तो ये सब चेक करने के लिए हम लोग निकल पड़े गिफ्ट सिटी। गुजरात के गांधीनगर में लोकेटेड है और इसका मेन एम है इंडिया को एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनाना। आपने देख ही लिया गिफ्ट सिटी का नज़ारा, ये दिन में आपको खूबसूरत लगेगी और रात में आपको दुबई लगेगी, दुबई। और अभी आप ये देख पा रहे होंगे कि कंस्ट्रक्शंस तो अभी ऑन ही है, जैसे वो भैया बोल रहे थे कि बहुत ही अच्छा यहाँ के लोगों को, जो लोकल लोग हैं उनको भी फ़ायदा तो हुआ है। आज जैसे सैटरडे है तो आई डोंट थिंक यहाँ पे MNC कंपनी है, सबकी सैटरडे संडे को छुट्टी होती है, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे अगर कोई एम्प्लॉय मिलेगा। यहाँ पे यार रोड्स इतने कंफ्यूजिंग है ना, मतलब
अभी मैं 5 से 10 मिनट से घूम रहा हूँ गोल गोल, लेकिन अभी ये रोड्स मिल नहीं रहे अच्छे से। तो भाई साहब, जैसे आपने देखा कि गिफ्ट सिटी के बारे में लोगों का क्या सोचना है, खास करके विलेज के लोगों का क्या सोचना है, वो हमने आपको बताया। इस एपिसोड में तो इतना ही था, लेकिन और कई एपिसोड्स आने वाले हैं इंटरेस्टिंग इस तरीके के, तो आप बने रहिए और मिलते हैं नए फ्रेश एपिसोड में। कुछ फर्क तो कुछ नहीं पड़ा, गिफ्ट सिटी में जाने का ही रास्ता बंद है तो क्या करेगा, डेवलपमेंट कुछ नहीं। गिफ्ट सिटी के कारण ये पूरा रोड जो है वो ब्लॉक हो गया है।